उधर पंचकुला में पिछले महीने हुई हिंसा का ब्यौरा जुटाने के लिए कोर्ट ने ट्राइब्यूनल बनाने के आदेश दिए हैं। ये तस्वीरें 25 अगस्त की हैं, जिस दिन बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 20 साल की सजा का ऐलान हुआ था। राम रहीम के चेलों ने पंचकुला शहर के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में हिंसा की थी। पंजाब सरकार के मुताबिक उनके राज्य में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें रोडवेज रेलवे की संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों और बिजली दफ्तरों का भी नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार ने नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया है। नुकसान का आकलन होने के बाद सरकार इसे राम रहीम की संपत्ति से वसूलेगी। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस बात की जांच की जाए कि राम रहीम ने अस्पताल, स्कूल और अन्य इमारतें किसकी इजाजत से बनाई। आयकर विभाग और ईडी को भी डेरा की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच के आदेश दिए गए हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।